हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा मैट्रिक्स ऑफ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं? अगर हाँ तो एमए क्लासेस ऐप आपके लिए है जरूरी। इस ऐप में मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन टेस्ट है, जिससे आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अब आप घर पर रहकर कोरोना को करें बाय बाय और एमए क्लासेस ऐप को अपनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या डेफिनेशन है। तो लेट यू ऑफ एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। ये दो वेक्टर स्पेस हम लोग ले रहे हैं, सेम फील्ड एफ में डिफाइंड है, ऑफ डायमेंशन n एंड m। इसका u का डायमेंशन n है और v का डायमेंशन m है। ये दोनों का डायमेंशन हम लोग मान लिए। और जब डायमेंशन n है तो इसके ऑर्डर्ड बेसिस में n एलिमेंट होगा। सपोज कर लेते हैं b इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा n, ये इसका बेसिस है, u का बेसिस है। और v का बेसिस जो है वो b डैश मान रहे हैं, इसमें बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा m, ये v का बेसिस है। बी द ऑर्डर बेसिस फॉर यू एंड वी रिस्पेक्टिवली। अब सपोज t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इन टू वी। वेक्टर स्पेस u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं t। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही हम लोग को मैट्रिक्स निकालना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक वेक्टर स्पेस होगा u और एक दूसरा वेक्टर स्पेस होगा v, दोनों सेम फील्ड में डिफाइंड होगा। और u से v में एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे t, ये मान लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो फंक्शन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू a इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस b इंटू टी ऑफ बीटा। अगर ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होकर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे जहाँ ए बी फील्ड का मेंबर, अल्फा बीटा यू का मेंबर है, अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड हो तो इसी को कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सपोज कर लेते हैं कि टी जो है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जरा देखिए यू का ऑर्डर्ड बेसिस ये है, तो ये सारा एलिमेंट तो यू का ही मेंबर होगा, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन, ये तो यू का मेंबर होगा ही जो ऑर्डर्ड बेसिस है। इसके अलावा भी और भी कुछ मेंबर होगा भी का। यहाँ पर बेसिस जो है ऑर्डर्ड बेसिस बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा एम है, तो ये भी इसका मेंबर होगा और इसके अलावा और भी कुछ मेंबर होगा, लेकिन ये ऑर्डर्ड बेसिस है। अब जरा समझिए, यहाँ पर इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। जब अल्फा वन इसका मेंबर है तो टी ऑफ अल्फा वन इसका मेंबर हो जाएगा, इसका जो इमेज आएगा टी इमेज टी ऑफ अल्फा वन इसका मेंबर होगा, टी ऑफ अल्फा टू इसका मेंबर होगा। इसी तरीके से इसको अभी हम लोग यहाँ पर ये हटा दे रहे हैं, तो इसमें जितना भी ऑर्डर्ड बेसिस में जितना भी एलिमेंट है वो सभी का इमेज कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये भी डॉट डॉट कर देते हैं, टी ऑफ अल्फा एन भी इसका मेंबर होगा, इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकता है। तो जब टी ऑफ अल्फा वन इसका मेंबर है और इस वेक्टर स्पेस का ये बेसिस है तो इस एलिमेंट को इसके लीनियर कम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि टी अल्फा वन तो भी का एलिमेंट है और भी वेक्टर स्पेस का ये ऑर्डर्ड बेसिस है, तो टी ऑफ अल्फा वन इसी का लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा समझिए। सिंस टी ऑफ अल्फा वन टी ऑफ अल्फा टू डॉट डॉट टी ऑफ अल्फा एन ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ, ये सभी जो है ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ वी, ये भी का एलिमेंट होगा, एंड इट्स बेसिस आर इट्स ऑर्डर्ड बेसिस, और इसका जो बेसिस है भी का ऑर्डर्ड बेसिस इज बी डैश है, और बी डैश में कौन सा एलिमेंट है? बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा एन है या एम है, यहाँ पर टोटल एलिमेंट है एम।
ये ऑर्डर्ड बेसिस है भी का। अब जब ये टी अल्फा वन इसका एलिमेंट है तो टी अल्फा वन को कैसे लिख सकते हैं? टी अल्फा वन को ये जो बेसिस है इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि टी अल्फा वन इक्वल टू ए वन वन बीटा वन प्लस ए टू वन बीटा वन प्लस डॉट डॉट ए एम वन बीटा वन बीटा एम, यहाँ पर बीटा टू होगा। देखिए बीटा वन बीटा टू का ये लीनियर कम्बिनेशन बना रहे हैं, और अगर यहाँ अल्फा वन है वन लिख रहे हैं तो सेकेंड सफिक्स का सभी का वन कर देते हैं, सेकेंड सफिक्स जो है वो सभी में वन कर देते हैं। अब बीटा वन यहाँ पर है तो यहाँ वन डालते हैं, यहाँ बीटा टू है तो यहाँ टू डालते हैं, और यहाँ पर बीटा एम है तो यहाँ पर एम डालते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, और ये सब होगा क्या, ए वन वन ए टू वन जितना भी है ए एम वन, ये सभी फील्ड का मेंबर होगा, स्केलर होगा। तो टी अल्फा वन जो है बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा एम का लीनियर कम्बिनेशन मान ली। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं, जो स्केलर यूज कर रहे हैं, ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन डॉट डॉट ए एम वन, इस तरीके से। फिर हम लोग टी अल्फा टू निकालते हैं। टी अल्फा टू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ए सॉरी फर्स्ट में वन और सेकेंड में फिक्स रहेगा टू। जैसे यहाँ पर अल्फा वन का निकाल रहे हैं तो सेकेंड में सभी में वन रखें, या अल्फा टू का निकाल रहे हैं तो सेकेंड सफिक्स सभी का टू रखेंगे। अब ए वन टू बीटा वन, फिर ए टू टू बीटा टू, और डॉट डॉट यहाँ पर ए एम टू बीटा एम, इसी तरीके से डॉट डॉट अगर कर दें, और टी अल्फा जी, टी अल्फा जे निकाल रहे हैं। इसका एक अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन एलिमेंट था ना, यहाँ पर अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन एलिमेंट था, ये ऑर्डर्ड बेसिस था यू वेक्टर स्पेस का। तो बीच में एक एलिमेंट अल्फा जे मान रहे हैं, जे का वैल्यू वन से लेकर के एन तक हो जाएगा जे का वैल्यू, तो टी अल्फा जे हम लोग निकाल रहे हैं। टी अल्फा जे कैसे निकालेंगे, अब जैसे अल्फा टू निकाल रहे हैं तो सेकेंड सफिक्स सभी का टू रखती हैं, जो कोएफिशिएंट ले रहे हैं, तो टी अल्फा जे में सेकेंड सफिक्स जो है वो जे रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए वन जे बीटा वन, फिर ए टू जे बीटा टू, और डॉट डॉट इसी तरीके से ए एम जे बीटा एम, फिर डॉट डॉट, और लास्ट वाला को हम लोग लिखते हैं टी ऑफ अल्फा एन को लिखते हैं। ये भी ऐसे ही लिखेंगे ए वन एन बीटा वन प्लस ए टू एन बीटा टू प्लस डॉट डॉट ए एम एन बीटा एम। अब क्या करना है, यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पर यूज हुआ है उस प्रत्येक कोएफिशिएंट का कॉलम वेक्टर बना देना है और एक मैट्रिक्स बनाना है। जैसे अल्फा वन का जो कोएफिशिएंट यूज हुआ अल्फा वन में ए वन वन ए टू वन ए एम वन, ये कॉलम वेक्टर बना देंगे, कॉलम बना देंगे मैट्रिक्स का। अल्फा टू का सेकेंड कॉलम बना देंगे, इसी तरीके से अल्फा एन का एनथ कॉलम बना देंगे और एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि राइट द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ टी अल्फा वन टी अल्फा टू डॉट डॉट टी अल्फा एन एज कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये जो है कोएफिशिएंट इसको हम लोग कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कहते हैं। ए जैसे टी अल्फा वन का जो कोएफिशिएंट यहाँ आ रहा है, जब इसको लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेट जो कोएफिशिएंट आ रहा है उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो टी अल्फा वन का जो कोऑर्डिनेट होगा ये कोऑर्डिनेट है, टी अल्फा टू का ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग कॉलम बनाते हैं एक मैट्रिक्स का। तो कौन सा मैट्रिक्स, जरा समझिए यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। ए वन वन ए टू वन डॉट डॉट ए एम वन को एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, कॉलम वेक्टर लिखेंगे ए वन वन ए टू वन डॉट डॉट, इसी तरीके से यहाँ पर आएगा ए एम वन आएगा। सेकेंड टी अल्फा टू का, टी अल्फा टू का क्या होगा, ए वन टू ए टू टू डॉट डॉट ए एम टू। फिर टी अल्फा जे का डॉट डॉट यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, टी अल्फा जे का निकालते हैं, टी अल्फा जे का हो जाएगा ए वन जे ए टू जे, यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा ए टू जे और डॉट डॉट ए एम जे, और डॉट डॉट इसी तरीके से हम लोग लास्ट वाला का लिखते हैं ए वन एन ए टू एन और डॉट डॉट ए एम एन। तो ये जो एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, यहाँ पर आप देख रहे हैं
m रो है टोटल और n कॉलम है, तो m बाय n ऑर्डर का ये जो मैट्रिक्स बना, इसी मैट्रिक्स को कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस b एंड b डैश। ये b और b डैश बेसिस जो ले रहे हैं ऑर्डर्ड बेसिस, उसके रिलेशन में ये निकला है, ये कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। दो ऑर्डर्ड बेसिस था, एक यू का और एक भी का, उसके रिलेशन में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कहलाता है। तो कैसे हम लोग लिखते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है या उसका मैट्रिक्स लिखना है तो करना क्या है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वो ऑर्डर्ड बेसिस है U का, ये ऑर्डर्ड बेसिस है V का। बेसिस यूनिक नहीं होता है, एक वेक्टर स्पेस का कई बेसिस मिल सकता है, तो ये कोई एक ऑर्डर्ड बेसिस है U का और V का ये ऑर्डर्ड बेसिस है। करना क्या है, जैसे अल्फा वन जो है वो यू का एलिमेंट होगा तो टी अल्फा वन तो भी का एलिमेंट आ जाएगा, और टी अल्फा वन जब भी का एलिमेंट आ जाएगा तो इसको हम लोग इसके बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो टी अल्फा वन को इसके लीनियर कम्बिनेशन में हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर टी अल्फा टू को भी इसके लीनियर कम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए टी अल्फा वन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, टी अल्फा टू को इस तरीके से, प्रत्येक एलिमेंट को टी अल्फा एन को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है इसका जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो इस कोएफिशिएंट को हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम बना दिया, टी अल्फा टू का जो कोएफिशिएंट है उसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे, और इसी तरीके से टी अल्फा एन का जो कोएफिशिएंट है उसको एनथ कॉलम बनाएंगे। तो ये टोटल एम रो हो जाएगा और एन कॉलम हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश, इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। और इसको डिनोट करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय टी लिखते हैं यहाँ और बी, और फिर यहाँ पर लिखते हैं बी डैश इस तरीके से, ये इस तरीके से डिनोट करते हैं, या सिंपली सिर्फ टी भी लिख सकते हैं अगर ऑर्डर्ड बेसिस अंडरस्टूड है तो सिर्फ टी और ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये बताता है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। या अगर बेसिस भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बी भी लिखेंगे और कॉमा बी डैश भी लिखेंगे, मतलब ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये मैट्रिक्स हो गया रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। अब चलिए देखिए एक इसको और भी हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दस वी हैव, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी अल्फा जे, अब शॉर्ट में हम लोग समिशन के फॉर्म में लिखते हैं टी अल्फा जे का वैल्यू क्या आया है, देखिए ए वन जे इंटू बीटा वन प्लस ए टू जे इंटू बीटा टू डॉट डॉट, ये आया है। अगर इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो टी ए आई जे बीटा वन कर देते हैं जहां पर बीटा आई कर देते हैं जहां आई का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड सफिक्स तो जे फिक्स है, यहां पर फर्स्ट सफिक्स ही वैरी कर रहा है वन टू से लेकर के एम तक, तो यहां पर सेकेंड सफिक्स फिक्स रखिए जे, और आई यहां पर वैरी करेगा, आई का वैल्यू वन से लेकर के एम तक हो जाएगा। देखिए आप पुट कीजिए यही चीज आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आई की जगह वन पुट करेंगे तो ए वन जे बीटा वन, फिर टू पुट करेंगे तो ए टू जे बीटा टू आ जाएगा, फिर डॉट डॉट यहाँ पर एम पुट करेंगे तो ए एम जे बीटा एम आ जाएगा। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं टी अल्फा जे को सिग्मा ए आई जे बीटा आई, जहाँ पर आई का वैल्यू वन से लेकर के एम तक, और जे का वैल्यू क्या होगा, जे मतलब कौन सा, ये किसको लिखे हम लोग टी अल्फा जे को लिख रहे हैं, तो जे का वैल्यू क्या हो सकता है वन से लेकर के एन तक हो सकता है,
हम लोग यहाँ पर जे के जगह 1 बैठाएंगे टी अल्फा 1, जे के जगह 2 बैठाएंगे टी अल्फा 2, डॉट डॉट एन बैठाएंगे तो टी अल्फा एन निकल जाए, तो जे का वैल्यू होगा 1, 2, 3 डॉट डॉट एन तक। अगर जे के जगह 1 पुट करेंगे तो टी अल्फा 1 यहाँ से निकल जाएगा, जे के जगह 2 पुट करेंगे तो टी अल्फा 2 निकल जाएगा, सभी निकल जाएगा यहाँ से अल्फा 1, टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, डॉट डॉट, ये सभी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए ये जो आ चुका है ए आई जे, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आया है, इसी कोएफिशिएंट का हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाना है, इसी कोएफिशिएंट को। तो देन द मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स टी, और यहाँ पर बी 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 डैश लिखेंगे, बी लिखेंगे और बी डैश, ये ऑर्डर बेसिस है, इक्वल टू एक मैट्रिक्स बना रहे हैं ए आई जे, और किस रो का, किस ऑर्डर का, ऑर्डर का बना रहे हैं, एम बाय एन ऑर्डर का बना रहे हैं ये। तो द मैट्रिक्स दिस इक्वल टू ए आई जे, अगर टी अल्फा जे को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें और यहाँ जो कोएफिशिएंट है ए आई जे उसी का हम लोग एक मैट्रिक्स बना दें एम बाय एन रो का। देखिए यहाँ पर ये, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, ए आई जे एम बाय एन, यही तो लिख सकते हैं आप। अगर A11, A12, डॉट डॉट A1n, A21, A22, डॉट डॉट A2n, इसी तरीके से AM1, AM2, डॉट डॉट AMn, ये होता है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, इसी मैट्रिक्स को कहते हैं इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्या है कि यू से भी में अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U का ऑर्डर्ड बेसिस मान लीजिए B है, जिसमें एलिमेंट क्या है अल्फा 1, अल्फा 2, डॉट डॉट अल्फा n, और V में एलिमेंट है, V का ऑर्डर्ड बेसिस B डैश है, जिसमें एलिमेंट है मान लीजिए बीटा 1, डॉट डॉट बीटा m, इसका डायमेंशन n है और इसका डायमेंशन m है। तो क्या करेंगे हम लोग, T अल्फा J को लिखेंगे लीनियर कम्बिनेशन में, इसके लीनियर कम्बिनेशन में, और ये लीनियर कम्बिनेशन ऐसा बनाएंगे ए आई जे बीटा, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। अब उसके बाद इससे एक मैट्रिक्स बना देंगे ए आई जे, ये किस ऑर्डर का बनेगा एम बाय एन, भी का जो डायमेंशन है वो पहले आएगा और यू का डायमेंशन बाद में। तो ये जो ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, इसी को कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो मैट्रिक्स बनता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें डायमेंशन एम जो है, भी का डायमेंशन वो पहले आता है और यू का डायमेंशन बाद में आता है, ये बन जाता है नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम बन जाता है इस मैट्रिक्स का। अब देखिए कन्वर्सली गिवन ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है एम बाय एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, तो वी कैन ऑलवेज डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू इनटू वी। अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड हो जाएगा, वेयर यू एंड वी आर सुटेबल वेक्टर स्पेसेस विथ ऑर्डर्ड बेसिस से बी एंड बी डैश, जहाँ U और V जो है वो सुटेबल वेक्टर स्पेस होगा जिसका ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश होगा, सच दैट ऐसा डिफाइंड होगा कि ये जो मैट्रिक्स A है इस T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है वो किसका कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब यहाँ उल्टा काम हो गया, पहले अगर हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था तो उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, अगर मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स ही कोई दिया हुआ है तो उससे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम हम लोग को कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा टी अल्फा 1 का, फर्स्ट कॉलम टी अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट लेंगे, सेकेंड कॉलम टी अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट लेंगे,
यही मैट्रिक्स ही दिया हुआ है। अब हम लोग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, तो अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन जो है वो बेसिस मान लेंगे एक वेक्टर स्पेस का, और बीटा वन बीटा टू दूसरे वेक्टर स्पेस का बेसिस, तो टी अल्फा वन जो है उसका कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा, यानी कि टी अल्फा वन को जब लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कोएफिशिएंट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम टी अल्फा टू का हो जाएगा, इसी तरीके से एनथ कॉलम जो है वो टी अल्फा एन का निकल जाएगा। अगर टी अल्फा वन टी अल्फा टू डॉट डॉट टी अल्फा एन निकल गया, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन जो है वो बेसिस का एलिमेंट है, अगर ये निकल गया तो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ रहे तो मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल, अगर कोई भी डाउट होगा तो उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर थ्री इंटू आर टू। ये थ्री टपल्स का वेक्टर स्पेस है, ये टू टपल्स का वेक्टर स्पेस है रियल नंबर में, तो डिफाइंड एज, और ये आर थ्री से आर टू में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू टू वाई प्लस जेड और एक्स माइनस फोर वाई रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी, बी ये दिया हुआ है, एंड बी डैश जो है वो ये हो जाएगा। आर थ्री का ये ऑर्डर्ड बेसिस है जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है, और आर टू का स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है 1001। तो ये दोनों का बेसिस दिया हुआ है, अब हम लोग को निकालना है मैट्रिक्स, निकालना मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो कैसे निकालते हैं जरा समझिए। सबसे पहले यहाँ पर b जो ऑर्डर्ड बेसिस है आर थ्री का, उसमें जो एलिमेंट है उसको अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री मान लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट अल्फा वन इक्वल टू वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो, अल्फा टू इक्वल टू जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो, और अल्फा थ्री मानते हैं ये जीरो जीरो वन को। फिर भी आर टू का जो ऑर्डर्ड बेसिस है उसको हम लोग ये बी डैश जो है उसका एलिमेंट को बीटा वन और बीटा टू मान लेते हैं। बीटा वन इक्वल टू वन जीरो और बीटा टू इक्वल टू जीरो वन। तो देखिए देयरफॉर बेसिस ऑफ आर थ्री, आर थ्री का बेसिस क्या होगा बी, बी में एलिमेंट अब क्या हो गया अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ये एलिमेंट माने हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और बेसिस ऑफ आर टू, आर टू का बेसिस क्या हो जाएगा जिसको बी डैश कह रहे हैं, इसमें एलिमेंट ये बीटा वन बीटा टू मान लिए। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, एक्स वाई को, एक्स वाई कोई भी एलिमेंट लेते हैं, यहां पर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि लेट एक्स वाई या ए बी कर देते हैं, ए बी बी एनी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, एनी एलिमेंट ऑफ आर थ्री सॉरी आर टू, आर टू का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, टू टपल्स वाला जो वेक्टर स्पेस है उसका कोई भी एलिमेंट। तो देयरफॉर ए बी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू वन जीरो प्लस बी इंटू जीरो वन। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा जीरो बी आएगा, जब ऐड करेंगे ए प्लस जीरो ए आ जाएगा और जीरो प्लस बी बी आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको ए रहने देते हैं और ये क्या बीटा वन है, और यहाँ पर बी रहने देते हैं ये क्या है ये बीटा टू है। तो ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में, अगर बीटा वन और बीटा टू के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है तो ए बी को लिख सकते हैं ए इंटू बीटा वन प्लस बी इंटू बीटा टू, इसको हम लोग नंबर वन करके छोड़ देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं टी ऑफ वन अल्फा वन, निकालते हैं अल्फा वन का टी इमेज निकालते हैं, तो टी ऑफ अल्फा वन का वैल्यू क्या है, अल्फा वन का वैल्यू है वन जीरो जीरो। क्या करना रहता है मैट्रिक्स निकालने के लिए, ये जो एलिमेंट है इसके बेसिस में, बेसिस में कौन सा एलिमेंट है, देखिए ये आर थ्री का जो बेसिस है बीटा बी, उसमें अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एलिमेंट है, तो ये अल्फा वन का भी टी इमेज अल्फा टू का भी टी इमेज और अल्फा थ्री का भी टी इमेज को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे। तो अल्फा वन का टी इमेज निकालते हैं, टी ऑफ अल्फा वन निकालते हैं, अल्फा वन का वैल्यू पता है वन जीरो जीरो, ये पुट कर दिए। अब देखिए इसका इमेज कैसे निकलेगा, यहाँ डेफिनेशन है टी ऑफ एक्स वाई जेड बराबर क्या है,
टू वाई प्लस जेड और एक्स माइनस फोर वाई, मतलब y का डबल करके z को ऐड करते हैं और x में 4y को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसका इमेज आ जाएगा 2 इंटू वाई, वाई के जगह 0, 2 इंटू वाई प्लस जेड है तो प्लस z के जगह 0, और फिर है आगे x माइनस फोर वाई तो x के जगह 1 है, x माइनस फोर वाई के जगह 0 है। कितना आ गया ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो गया, वन हो गया। अब जीरो वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा समझिए। जीरो वन को जैसे ए बी को लिखना है तो ए इंटू बीटा वन प्लस बी इंटू बीटा टू, तो जीरो वन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जीरो और यहाँ पर वन है तो जीरो इंटू बीटा वन प्लस बी के जगह वन, वन इंटू बीटा टू, ये किसका वैल्यू निकल गया, टी ऑफ अल्फा वन का वैल्यू निकला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग t ऑफ अल्फ़ा 2 निकालते हैं। तो t ऑफ अल्फ़ा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 का पहले वैल्यू लिखते हैं, अल्फ़ा 2 का वैल्यू 0 1 0 है और फिर इसका इमेज निकालते हैं। देखिए अल्फ़ा 2 का वैल्यू 0 1 0 है और t ऑफ एक्स वाई जेड का जो डेफिनेशन है, t ऑफ एक्स वाई जेड का क्या डेफिनेशन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, t ऑफ एक्स वाई जेड का डेफिनेशन है यहाँ पर 2y प्लस जेड और फिर x माइनस 4y, इसी से हम लोग यहाँ पर इसका इमेज लिख जाते हैं। तो देखिए 2 इंटू वाई प्लस जेड तो 2 इंटू वाई के जगह 1 प्लस जेड के जगह 0, फिर x माइनस फोर वाई, एक्स के जगह 0 और माइनस फोर वाई, वाई के जगह 1। अब ये क्या आ रहा है, ये तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर, ये हो गया माइनस फोर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी बता रहा था कि देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बीटा वन प्लस बी इंटू बीटा टू। ए बी अगर ये जो टू टपल्स है इसको लिखना है तो ए इंटू बीटा वन प्लस बी इंटू बीटा टू, तो यहाँ पर टू माइनस फोर को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू बीटा वन प्लस माइनस फोर इंटू बीटा टू। इसी तरीके से हम लोग अब हम लोग निकालते हैं टी ऑफ अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा थ्री का वैल्यू है 0 0 1, इसी को माने थे अल्फ़ा थ्री। अब इसका इमेज निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालते हैं, 2 इंटू वाई, वाई के जगह 0 प्लस जेड के जगह 1 और फिर x माइनस फोर वाई, एक्स के जगह 0 और माइनस फोर वाई के जगह भी 0। तो ये क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से अगर एक्सप्रेस करना हो तो 1 इंटू बीटा 1 प्लस 0 इंटू बीटा 2। तो देखिए हम लोग क्या किए, टी ऑफ अल्फ़ा 1 को भी एक्सप्रेस कर दिए बीटा 1 बीटा 2 के लीनियर कम्बिनेशन में। देखिए यहाँ पर लाया हूँ मैं टी ऑफ अल्फ़ा 1, 0 बीटा 1 प्लस 1 इंटू बीटा 2, 0 इंटू बीटा 1 प्लस 1 इंटू बीटा 2। टी ऑफ अल्फ़ा 2 ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फ़ा 2 जो है वो यहाँ पर निकला हुआ है 2 इंटू बीटा 2 प्लस माइनस 4 इंटू बीटा 2, सॉरी बीटा 1 है यहाँ। और फिर टी ऑफ अल्फ़ा 3 भी निकाल करके रखे हुए हैं, ये क्या है 1 इंटू बीटा 1 प्लस 0 इंटू बीटा 2। तो ये सभी को हम लोग टी ऑफ अल्फ़ा 1, टी ऑफ अल्फ़ा 2, टी ऑफ अल्फ़ा 3 को बीटा 1 बीटा 2 के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर लिए। अब जब ये लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो गया तो देयरफॉर हम लोग को टी का अगर निकालना है मैट्रिक्स रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश तो कैसे निकलेगा, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट है टी ऑफ अल्फ़ा 1 का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग लिखेंगे कॉलम में, 0 1 को कॉलम में, इसका लिखेंगे 2 माइनस 4, इसका भी कोऑर्डिनेट को कॉलम में, यहाँ जो कोएफिशिएंट है उसको भी कॉलम में लिखेंगे 1 0। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसी को कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये मैट्रिक्स बन गया। तो देखिए ये अगर डायरेक्ट हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, जरा इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पर टी जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैसे डिफाइन किया गया था, टी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया था, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ 2y प्लस जेड एक्स माइनस फोर वाई, 2y प्लस जेड एक्स माइनस फोर वाई, और ये किस में था, R3 से R2 में। अगर ये 3 टपल से 2 टपल्स में है, अगर 3 टपल से 2 टपल्स में है तब ये जो मैं डायरेक्ट लिखने की बात कर रहा हूँ वो आप देखिएगा कि
एन टपल्स से एम टपल्स में अगर रहे तब, एन टपल्स का वेक्टर है और एम टपल्स में रहे, तब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इससे कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम लोग लिख सकते हैं, जा समझिएगा इसको। लेकिन वो भी यूजुअल या स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिलेशन में निकालना हो, विथ रिस्पेक्ट टू ये स्टैंडर्ड बेसिस में निकालना हो, तब ये भी बी जो बी था वो स्टैंडर्ड बेसिस था आर थ्री का, और बी डैश था आर टू का स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस में अगर निकालना हो तभी ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ को आप ऐसा लिखिए, एक्स का टर्म नहीं है तो जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस टू इंटू वाई, प्लस वन इंटू जेड, और यहाँ पर वन इंटू एक्स प्लस माइनस फोर इंटू वाई, और जेड नहीं है तो जीरो इंटू जेड। अब इसका कोएफिशिएंट से आप रो बना दीजिए, जीरो टू वन, जीरो टू वन देख रहे हैं, और वन माइनस फोर जीरो, वन माइनस फोर जीरो यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया है उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या किए, एक्स वाई जेड तीनों में लिख लिए हैं, और तीनों में जब लिख लिया तो जो कोएफिशिएंट आ रहा है यहाँ पर जीरो टू वन उससे फर्स्ट रो, और वन माइनस फोर जीरो उससे सेकेंड रो बना दिए, यही हो जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स को हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन कब लिख सकते हैं, जब एन टपल्स से एम टपल्स में अगर जा रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैट्रिक्स लिखना है अगर यूजुअल स्टैंडर्ड बेसिस में लिखना है, तब यूजुअल बेसिस में लिखना है या स्टैंडर्ड बेसिस में, ये दोनों, ये भी स्टैंडर्ड बेसिस होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड बेसिस होना चाहिए, तब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सभी केस में नहीं लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस होना चाहिए और एन टपल्स का रहे, तब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये जो हम लोग लिखे हैं, दिस इज रिक्वायर्ड, हम लोग लिखते हैं दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, यही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। कौन सा ऑर्डर्ड बेसिस, बी एंड बी डस, ये ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैट्रिक्स लिखना है तो कुछ विशेष काम करना नहीं है, सबसे पहला हम लोग क्या किए हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उसी का मैट्रिक्स निकालना रहेगा। फिर किसके रिलेटिव में लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है हम लोग को मैट्रिक्स, वो भी बेसिस भी पता रहेगा, यहाँ पर बेसिस पता है। अब ये जो बेसिस है इसके एलिमेंट को हम लोग अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री मान लिए, तो क्या किए हम लोग, टी अल्फ़ा वन को इसके बेसिस, इसका बेसिस को बीटा वन बीटा टू मान लिए, तो टी अल्फ़ा वन को बीटा वन बीटा टू के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिए, टी ऑफ अल्फ़ा टू को भी बीटा वन बीटा टू के लीनियर कम्बिनेशन में, टी ऑफ अल्फ़ा थ्री को भी बीटा वन बीटा टू के लीनियर कम्बिनेशन में, और लीनियर कम्बिनेशन में जब एक्सप्रेस किए तो जो कोएफिशिएंट आ रहा है उसको हम लोग कॉलम बना दिए, और जो कॉलम बना दिए ये जो मैट्रिक्स आया इसी को हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।